और वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज हम क्लास 5 का गणित का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मापन। आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम सेंटीमीटर को जो है ना मीटर में कैसे बदलता है, सेंटीमीटर में बदलना यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मीटर में दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, और यदि फिर कोई सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में कैसे बदलेंगे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं किसे किस तरह करते हैं। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा सवाल जो है ये मापन टॉपिक से लिया गया है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में इससे सवाल बनेगा ही बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में सेमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी बोला जाता है। तो आपको सबसे पहले कह रहा है कि 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। देखिए मीटर जो है ना, मीटर एक बड़ा यूनिट है। मीटर क्या है? एक बड़ा यूनिट है। देखिए इसको मी कहते हैं, मीटर को क्या बोलते हैं? मी बोलते हैं। मी जहाँ लिखा हो उसे आपको समझ जाना है कि ये मीटर है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप 1 मीटर अगर आप वायर लेने जाएंगे, तार लेने जाएंगे 1 मीटर का, तो वो कम से कम आपको इस तरह से नाप करके देगा, ठीक है ना। अगर आप 1 सेंटीमीटर तार लेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक देगा। इससे आपको यह समझ में आया ये मीटर में है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर जो होता है वो छोटा होता है, मीटर जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि 100 सेंटीमीटर मिलकर, ये छोटा 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 जितना होगा टुकड़ा होगा उसका 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर का निर्माण करता है। क्या करता है? 1 मीटर का बनाता है। आपको ये ध्यान रखना है 100 सेंटीमीटर ये छोटा छोटा, अगर हम 100 सेंटीमीटर में काटेंगे इसको तो 100 सेंटीमीटर टुकड़ा मिलकर के 1 मीटर को बनाएगा। यानी हम उल्टा कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मिला हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि 5 मीटर में कितना होगा तो आप कहेंगे 500 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम आपसे कहें ना 1 मीटर में कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो यदि फिर आपसे कहेंगे 2 मीटर में तो आप कहेंगे 200, 3 मीटर में 300, 4 मीटर में 400। तो उसी तरह से 5 मीटर में कितना होगा? 500। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है कि 5 का गुना 100 से हुआ है। क्या हुआ है? 5 का गुना 100 से हुआ है, जिससे कि ये 500 सेंटीमीटर बना। उसी प्रकार से आपको इसमें क्या करना है कि 8 मीटर है, इसे अगर हम सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे तो इसको सिंपली कुछ मत कीजिएगा, 8 को 100 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 800 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे सारा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमें 35 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 35 लिख दीजिए, उसको 100 से गुना कर दीजिए। देखिए गुना करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसे एक बार ऊपर लिखेंगे 100, नीचे 35 लिखेंगे, फिर इस तरह से गुना करेंगे, ऐसा नहीं करना है एग्ज़ाम में। इसका गुना जो है 100 का गुना, 10 का गुना और 1000 का जितना भी गुना होता है वो बहुत ही हल्का होता है। देखिए 35 को अगर किसी भी नंबर्स को अगर आप 1 से गुना करेंगे, किसी भी नंबर्स को यदि आप 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आना है। जैसे अगर हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 ही आएगा। आप 55 को 1 से गुना कर दीजिए तो 55 एकम 55 ही आने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आप 35 को यदि आप 1 से गुना करेंगे तो 35 ही आने वाला है, इसके बाद का 2 अंक 0 आपका बच जाता है। तो आप ये सिंपली ये सिर्फ ये 2 जीरो आपको बैठा देना है, तो ये हो जाएगा 3500 सेंटीमीटर, यानी 3500 सेमी, ठीक है। उसी प्रकार से आपको 75 मीटर को बदलना है तो 75 लिख दीजिए, गुना में 100। अब 75 को यदि आप 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 75 और 2 जीरो है, तो सिर्फ आप 2 जीरो बैठा दें, ये हो जाएगा 7500 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद है हमारा 12 मीटर, 12 को फिर 100 से गुना कर दीजिए, 12 एकम 12, 2 जीरो का 2 जीरो बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। इसके बाद है हमारा 10, 10 को भी 100 से गुना करना है, तो 10 एकम 10 और 2 जीरो यहाँ पे था तो 2 जीरो बैठा दीजिए, इससे आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अगला है हमारा 115 को ठीक उसी प्रकार 100 से गुना कीजिए, 115 एकम 115, नंबर कितना भी बड़ा हो अगर आप उसे 1 से गुना करेंगे तो आंसर उतना ही आने हैं। 115 एकम 115, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 15, आप 15 लिख दीजिए, गुना 100,
पंद्रह एकम पंद्रह, दो जीरो है, दो जीरो बैठा दीजिए, 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है हमारा 54 मीटर, 54 लिख दीजिए गुना 100, 54 एकम 54, और दो जीरो इसका बैठा दीजिए, 5400 सेंटीमीटर। इसके बाद है हमारा 105, 105 गुना 100, 105 एकम 105, और दो जीरो इसका बैठा दीजिए, 105 सेंटीमीटर। तो ये था आपका मीटर को सेंटीमीटर में बदलने का तरीका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।